जय माँ वैष्णो देवी जोर से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी नमस्कार भक्तों, मैं हूँ दीक्षा बंसल और आप देख रहे हैं दीक्षा ट्यूटोरियल्स डीबी। आज हम चलते हैं वैष्णो देवी की यात्रा पर। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप वैष्णो देवी कैसे जा सकते हैं वहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है और खाने पीने की क्या व्यवस्था है और अगर आप आपने चढ़ाई करनी है तो उसके लिए क्या क्या साधन अवेलेबल है तो इस वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी तो बने रही वीडियो में आप एंड तक तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वैष्णो देवी की यात्रा तीर्थ यात्रा मार्ग तो भक्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि हम वैष्णो देवी में कैसे पहुंच सकते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि वैष्णो देवी जम्मू और कश्मीर के कटरा शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वैष्णो देवी की गुफा त्रिकुट पर्वत पर स्थित है यह मंदिर 5,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है कटरा से अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आपको पहले जम्मू पहुंचना होगा जम्मू आप वाया ट्रेन भी आ सकते हैं और बस और टैक्सी से भी आ सकते हैं और हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं जम्मू पहुंचने के बाद आपने आगे और सफ़र करना है और आपने जाना है कटरा कटरा से ही माता के भवन तक जाने की पैदल यात्रा शुरू होती है कटरा भी आप जम्मू से वाया ट्रेन और बाय रोड आ सकते हैं आप दो घंटे में जम्मू से कटरा पहुंच जाएंगे ये देखिए ये मेरी जम्मू तवी की टिकट है जम्मू तक उसका फेयर है फोर हंड्रेड सिक्सटी टू रुपीज हम सुबह सिक्स ओ क्लॉक तक जम्मू तवी से जम्मू पहुंच गए थे उसके बाद हमने जम्मू से लेकर कटरा तक की ट्रेन ली थी हम दो घंटे में कटरा पहुंच गए थे कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप बान गंगा भी जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर नियर बाय कई होटल्स हैं आप वहाँ भी स्टे कर सकते हैं रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको ऑटो और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है ऑटो का जो फेयर है वो 110 है और टैक्सी का फेयर 210। है कटरा रेलवे स्टेशन से बाणगंगा की दूरी है तकरीबन साढ़े तीन किलोमीटर और ताराकोट मार्ग से भी यात्रा शुरू की जाती है जिसका डिस्टेंस रेलवे स्टेशन से चार किलोमीटर तक है रेलवे स्टेशन से बस अड्डा दो किलोमीटर की दूरी पर है प्राइवेट होटल्स में रूम का टैरिफ 1000 से लेकर 1500 तक है और कई होटल्स आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी देते हैं लाइक रेलवे स्टेशन टू होटल एंड होटल टू बाणगंगा प्राइवेट होटल्स के अलावा यहाँ पर श्राइन बोर्ड्स के भी रूम्स मिलते हैं तो भक्तों ये श्राइन बोर्ड क्या है ये माता वैष्णो देवी की तरफ से चलाई जाने वाली एक संस्था है जिसके रूम्स आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से मिलते हैं श्राइन बोर्ड के जो रूम होते हैं वो भी आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं यहाँ तक कि आप माता के भवन में आत कुमारी में वहाँ पर भी आप रूम्स बुक करवा सकते हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से और बस स्टैंड के पास में ही निहारिका कॉम्प्लेक्स है आपको वहाँ पर भी रूम्स की फैसिलिटी मिलती है अभी आप स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं ये एक प्राइवेट होटल की वीडियो है जो कि कटरा में है इसका नाम है होटल आदर्श पैलेस होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हम चलेंगे माता के दर्शन करने के लिए तो भक्तों, अगर आपने श्राइन बोर्ड के रूम्स बुक करवानी है तो उसकी वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं वेबसाइट है माँ वैष्णो देवी डॉट भक्तो यात्रा शुरू करने से पहले आपको एक यात्रा पर्ची निकलवानी पड़ती है जो की बहुत ही जरूरी है यात्रा पर्ची आप बस स्टैंड से भी बुक करवा सकते हैं या रेलवे स्टेशन से भी निकलवा सकते हैं इसके अलावा आप ऑनलाइन भी यात्रा पर्ची निकलवा सकते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जब हम गए थे तो वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी तो शुक्र है कि हमने पहले से ऑनलाइन निकलवा रखी वहां पर इतनी लंबी लाइनें थी कि मैं उसे शूट ही नहीं कर पाई <laughs> देखिए आपको एक ऐसी यात्रा पर्ची मिलेगी और देखिए आपको ये यात्रा पर्ची यात्रा चेक पोस्ट जो कि बाणगंगा में है और ताराकोट मार्ग में है वहाँ पर आपको ये चेक करवानी पड़ती है और इसके अलावा जब आप भवन में दर्शन करते हो उससे यात्रा, पर, पर यात्रा पर्ची में एक मेरी बेटी दो साल की थी तो हमने उसकी भी रजिस्ट्रेशन करवाई थी देखिए यात्रा चेक पोस्ट पर यात्रा पर्ची चेक करवाने के बाद हमने बानगंगा से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी देखिए भक्तों, भवन तक जाने के दो मार्ग हैं, ताराकोट मार्ग और बाण गंगा मार्ग ताराकोट मार्ग है वो स्पेशल पद के लिए बनाया गया है ये मार्ग दो किलोमीटर बाण गंगा मार्ग से लंबा है परंतु इसकी ढलान बहुत ही आसान है और आप बहुत ही आसानी से पैदल यात्रा यहाँ पर कर सकते हो और इस मार्ग में कोई भी घोड़े खच्चर या पालकी नहीं गुजर और इस रास्ते को शेड से पूरा ढका गया है ताकि यात्रियों को बारिश वगैरह से कोई दिक्कत ना हो तो अगर आप तारागोट मार्ग से यात्रा करते हो या बानगंगा मार्ग से दोनों के बीच में बढ़ती है आत कुमारी आत कुमारी में है माता की गर्भ गुफा आत कुमारी पहुंच भी यात्री जन माता की गर्भ गुफा के दर्शन करते हैं इस गर्भ गुफा में भी दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है और अपना नंबर लेना पड़ता है और नंबर लेने के पश्चात छह से आठ घंटे तक आपका नंबर आ जाता है दर्शन का कई भक्तजन ऐसे करते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद भवन की तरफ चले जाते हैं भवन में दर्शन करने के बाद भैर घाटी में दर्शन करने के बाद वापसी में वो आठ में दर्शन कर लेते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो तो भक्तों बण गंगा ऐसी भवन तक की दूरी है बारह किलोमीटर और ताराकोट मार्ग से भवन तक की दूरी है चौदह किलोमीटर परंतु अगर आप मानगंगा गंगा से यात्रा करते हैं तो उससे आपको एक बेनिफिट मिल सकता है कि आप मानगंगा में आप स्नान कर सकते हैं और माता की चरण पादुका के दर्शन कर सकते हैं इसके अलावा बान गंगा मार्ग में गुलशन कुमार जी का लंगर भी आता है। ऐसा ही एक लंगर ताराकोट मार्ग में भी आता है जो कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा चलाया जा रहा है अगर आप पैदल यात्रा करने में असमर्थ हैं, तो और भी कई ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप बान गंगा से घोड़े के माध्यम से पालकी के माध्यम से और अगर आपने बच्चों को लेके जाना है तो प्रैम के माध्यम से भी आप जा सकते हैं और आत से आगे आप बैटरी कार्स पर आप जा सकते हैं भवन तक आप बैटरी कार्स की घोड़े की पालकी की या प्रैम की इन सब की आप बुकिंग आप ऑनलाइन पहले से करवा सकते हैं देखिए आपको पिट्ठू और पालकी के जो रेट है वो आपको सामने मेरी स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं और अगर आपने घोड़े को बुक करना हो तो उसका प्राइस बाणगंगा से भवन तक साढ़े बारह सौ रूपये है बाकी आप स्क्रीन में आप ध्यान से देखिए तो आपको सारे रेट इसमें शो हो जाएंगे पिट्ठू पालकी घोड़े बैटरी कार्स इसके अलावा आप हेलीकॉप्टर से भी भवन तक जा सकते हैं कटरा से दो किलोमीटर दूर हेलीपैड बना हुआ है और इसकी बुकिंग ऑनलाइन ही की जाती है कटरा से चढ़ने पर हेलीकॉप्टर आपको सांची छत जो कि भवन से दो किलोमीटर दूर है वहां पर आपको छोड़ेगा वहां पर भी रहने की खाने की और वहां तक भवन तक जाने की पूरी सुविधा उपलब्ध है तो अब तक हमने जाना की हमने चढ़ाई कैसे करनी है भवन तक कैसे पहुंचना है अब इसके अलावा रास्ते में बहुत सारे भोजनालय खोले गए हैं और कई शॉप्स भी हैं जिससे यात्रियों को कोई भी खाने पीने की समस्या नहीं आती है मेडिकल फैसिलिटी भी पूरी अवेलेबल है अब देखिए इनके आप रात को आठ पहुंची और आपके पास रहने के लिए वहां पर कोई रूम नहीं है तो फिर आपको कंबल मिल सकते हैं जिसका चार्ज एक कंबल का वन हंड्रेड रुपीज आप जितने चाहें उतने कंबल ले सकते हैं और ये सारी की सारी अमाउंट आपको रिफंड हो जाती है बाद में जब आप इसे लौटाते हैं सेम यही सिस्टम भवन में भी है भवन में पहुंचने के बाद आपको अलग अलग जगह पे आपको लॉकर्स मिल जाते हैं जहां पर आप अपना सामान रख सकते हैं और अगर आपने वहां पर प्रसाद लेना है तो उसके लिए भी प्रॉपर वहां पर शॉप्स हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से बस आपको एक बात का ध्यान रखना है जब आप माता का दर्शन करने के लिए जाएंगे तब आपने अंदर कोई भी लेदर की चीज नहीं लेके जानी जैसे कि बेल्ट पर्स और पर्स में मेकअप का सामान नहीं होना चाहिए भवन में दर्शन करने के बाद आपको भैरव मंदिर जाना चाहिए ऐसे कहा जाता है कि अगर आप भैरव मंदिर में दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी भैरव मंदिर आप रोप वे से जा सकते हैं जिसका प्राइस बहुत ही कम है ओनली वन हंड्रेड रुपीज पर पर्सन ये आने जाने का टैरिफ है रोप वे की टिकट भी आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं या फिर आप उसी टाइम ऑफलाइन भी बुक करवा सकते हैं जैसे कि हमने ऑफलाइन बुक करवाई थी तीन साल तक के बच्चे की कोई टिकट नहीं है भैरव मंदिर के पास भी प्रसाद की कई शॉप्स हैं आप वहां से प्रसाद खरीद सकते हैं बहरो मंदिर में दर्शन करने में ज्यादा समय नहीं लगता बस आपको बंदरों से अपने प्रसाद को बचाना पड़ता है आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप हमें कहां से देख रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट में जरूर बताना वीडियो तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको और भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय माता दी